Excuse me? Yes? क्या ये गाड़ी आपकी है? नहीं, क्या हुआ? पता नहीं कौन बेवकूफ यहाँ पे गाड़ी लगा के चला गया, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है और मेरी गाड़ी फंसा दी, कैसे निकालूं मैं गाड़ी? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? ये गाड़ी आपकी नहीं है ना, तो आप क्या ही हेल्प करोगे? हनुमान तो हो नहीं जो इसे उठा के साइड में रख दोगे। हनुमान तो हो नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए बन सकता हूँ। मतलब? एक मिनट। तो सच में गाड़ी उठा दी, खाते क्या हो? मैडम कुछ चीजें खाने से नहीं, खून में ही होती है। काफी गर्म खून लगता है तुम्हारा। खून में गर्मी और सोच में नरमी हमेशा बनी रहती है। नाइस। बाय द वे, आई एम प्रगति, फर्स्ट ईयर। मैं हनुमान, मेरा मतलब संजू, फाइनल ईयर। ओके, अभी जाना है मुझे, मिलती हूँ, बाय। संजू, कार की चाबी दियो, घर के काम से जाना है, आ रहे हैं थोड़ी देर में। यार तुमको कभी कार कभी पैसा क्यों देता है? ये मतलब क्या आ रहे हैं? अच्छा दोस्त हो चलो अलग बात है, जिनकी हेल्प करनी बंद कर देगा ना वो जिनके असली सामने आ जाएगी। वो जैसे है वो उनका नेचर है, जब तक हमारे साथ ठीक है ठीक है, जिस दिन हमारे साथ कुछ गलत करेंगे वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सर क्लास चल रहा, टाइम हो रहा है। हाय संजू। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार फ्री पीरियड था और दोस्त आया नहीं, इसलिए अकेला बैठा था। तुम बताओ? मेरा भी फ्री पीरियड है, इसीलिए अकेले घूम रही हूँ। तो एक काम करते हैं ना, दोनों साथ में अकेले फ्री घूम लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक अकेला और एक अकेला कितने अकेले हुए? ये तो बहुत सिंपल है, दो अकेले। जब दो हो ही गए तो अकेले कहाँ से हुए? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला, सुकून मिला। मजा आ गया आज तो। बढ़िया था खाना। बढ़िया। अरे रुकना मैं करता हूँ। अरे यार मैं दे रहा हूँ, क्या हो गया? अरे दुनिया मैंने देगी तो बात है यार। हाँ तो मैं दे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, हम बाहर वेट कर रहे हैं, तुम आ जाओ। यार संजू बोलने की बात तो है नहीं, पर इन दोनों से यार मुझे बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। मतलब किसी चीज़ में आगे आते नहीं, हमेशा मांगने में, कभी कार दे दे कभी पैसे दे दे। तो छोड़ना यार, चल आ जा।
देख रहा के सीन चल रहा है। साली की गाड़ी मांग रहे। हाँ। अरे संजू गाड़ी की चाबी दियो, आ रहे हैं थोड़ी देर में। यार आज प्रगति ने कहना जल्दी जाना है तो इसको ड्रॉप करना है, तो आज तो नहीं हो पाएगा। चल ठीक है कोई ना। भाई जब तक छोरी आई है ना इसने दिमाग खराब कर रखा है ना, आज तक किसी चीज की नहीं नाटी थी उसने। अलग तो ये करवाने पड़ेंगे किसी तरह। लगाता हूँ दिमाग। अरे आज अकेले कैसे? प्रगति नहीं आई? आज कुछ काम था यार उसने। के बात भाई, जब तक प्रगति आई तो हमने इग्नोर सा करने लग रहा है, हमारी इम्पोर्टेंस कम होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, सबको टाइम देना पड़ता है और सब अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू उसके लाइफ में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। आपने तो लगा तेरे सच में प्यार ही ना करती। क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लड़की ने चाहिए लग्जरी लाइफ जो उसने मिल रही है। तेरे साथ कार में आना, कार में जाना, और जहाँ भी जाओगे बिल तू पे करेगा। अच्छा खासा ड्राइवर मिला हुआ उसने। देख आज तो बोल दिया उसके बारे में, आज के बाद कुछ मत बोल। दोस्त है दोस्त बन के रहे। हाँ भाई बोला था ना वो तुझसे प्यार नहीं करती। क्या हो गया अब? क्या हो गया? चीट कर रही है वो तुझे। तुझसे लाख गुना ज्यादा अमीर लड़का फंसा रखा है, मर्सिडीज में घूमती है वो। तुम्हें कैसे पता? हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुझे यकीन नहीं होता ना पूछ अपनी बंदी से कहाँ है वो। कहाँ? अभी के अभी कॉलेज के ग्राउंड में हो। तेरे दोस्तों ने तेरा कटने से बचा लिया। ये होते हैं सच्चे दोस्त। यही गाड़ी थी? हाँ यह प्रगति की गाड़ी है। और तुम्हें पता है जो इसके साथ था वो कौन था? वो इसका भाई था। तुम दोस्त हो? तुमने मेरा कटने से बचा लिया। अरे दोस्त वो होते हैं अगर कभी हमारे बीच कोई गलत फहमी हो जाए ना उसको दूर कराए, ना कि तुम्हारी तरह अपने मतलब के लिए हमें अलग कराए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, अतुल जैसे सच्चे दोस्त भी, तुम्हारी तरह मतलबी भी, प्रगति जैसा प्यार करने वाले भी और पैसे के लिए काटने वाले भी। मैं आज के टाइम की लड़की हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने बिल्स खुद पे करना जानती हूँ और अपनी कार ड्राइव करना भी। मैं नहीं कहती कि सारी लड़कियाँ अच्छी होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लड़की लड़कों का काटने वाली होती है। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ अपने घर की लड़कियाँ शरीफ लगती हैं, अच्छी लगती हैं। बाकियों को तो तुमने बेवफाई का खिताब दिया हुआ है, लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने का खिताब दिया है। अरे तंग आ गए हैं सुन सुन के, सॉन्ग्स में, वीडियो में, मूवीज में, हर जगह लड़की बेवफा। कभी अपने अंदर झांक के देखो तुम कितने वफादार हो। ना ही 100% लड़के वफादार होते हैं और ना ही 100% लड़कियाँ बेवफा। तुम लोग अपनी सोच से सबको जज कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सोच है तुम्हें सब वैसे ही दिखाई देते हैं। कॉलेज में तो आ गए लेकिन नॉलेज नहीं आई। लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है?
वो सामने वाले को बिना सोचे समझे जज कर लेते हैं। आज के टाइम में अगर एक भाई बहन रोड पे हंसते हुए बात करके चलते हैं ना, तो उनको भी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं, जैसे तुमने इसके भाई को इसका बॉयफ्रेंड समझ लिया था। ये प्रगति की गाड़ी है, और अगर इसको मैं ड्राइव करूँगा ना और हम दोनों को कोई साथ देखेगा तो पता क्या सोचेंगे, लड़की ने इसका पैसा देख के इससे प्यार किया है, उन्हें नहीं पता सच्चाई क्या है। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को देख के क्या कमेंट करोगे, लेकिन आप जो भी कमेंट करोगे ना उससे आपकी सोच का और आपकी परवरिश का पता चल जाएगा। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੋਰਾ ਚਿੱਟੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੀਬਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਦਲੇ ਗੱਦਾਰ ਬਦਲੇ ਕੱਪ ਰੂਣਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ।